किन चलिए प्रदेश प्रोग्राम च थोड़ा सब का स्वागत है। अज असी थानू लेके चल रहे हैं GN ओवरसीज़ एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज तलवंडी चौंक सुल्तानपुर लोधी। इत्थे आयल्स ते स्पोकन इंग्लिश दियां क्लासेस लितियां जांदियां ने ते इस दे नाल नाल कंप्यूटर क्लासेस भी लिया जांदियां ने। बाहर जाने वाले विद्यार्थियों लिए स्टडी वीज़ा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है ते जे कोई विदेश घूमन जाना चाहता है तो उन्होंने लिए टूरिस्ट वीज़ा का इंतजाम भी करके दिता जाता है। अगर तुम भी यूके कैनेडा आस्ट्रेलिया या यूरोप जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए तो GN ओवरसीज़ एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज नाल जरूर संपर्क करो। सारी टीम ने इतों के टीचर्स के नाल गलबात की जो कि बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार ने। सारी टीम ने कोचिंग हासिल कर रहे विद्यार्थियों नाल गलबात की। सारी टीम ने GN ओवरसीज़ एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज के MD नाल गलबात की जिन्होंने सानू GN ओवरसीज़ बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ चलते हैं GN ओवरसीज़ एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज सुल्तानपुर लोधी। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं टीचर ते बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सानू बहुत बढ़िया लगता है इतने पढ़ के। मेरे जिदा पहला लगता सी इंग्लिश बड़ी कमजोर जी हैगी हुण थोड़ा जिहा स्वाद जिहा लग गया पढ़ के और लगता कि जहाज नेड़े आ रहे हैं। और टीचर्स जिहड़े हैगे कंप्लीमेंटरी है इदां दा नहीं कोई भी इंग्लिश ही बोल जांदा उह करके चले जांदे आ कि मतलब वधिया ग्रेसफुली समझांदे सारे ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਟੈਂਸਟਸ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਹਲਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? So it's up to the students how they grasp my knowledge which I give to them. And as far as the students are concerned, they are also creative. They have knowledge of Google, knowledge of YouTube, Instagram, and they are also creative. What do you think? Your knowledge is also enhancing? Well, it is obvious that if we teach the students, we will learn extra than the students. So that's why I think that I learn more than the students. So with the help of technical advancements, it is very effective to learn. Madam, as GN Overseas becoming a brand, because old institute
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋ ਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं हूँ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से, इतनी दूर से यहाँ पे टीच करवा रही हूँ। कोई क्वालिटी थी और मुझे अच्छा लगा तो ही मैं यहाँ पे हूँ, इतनी दूर में अपने नाम के रह रही हूँ। बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, मॉड्यूल्स को रिपीट करवाया जाता है, जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आती है उसे इंडिविजुअल सेशन देते हैं हम। और जैसे इनकी स्पीकिंग हो रही है, हम इनसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, नहीं मीन्स कि इनको बोलना नहीं आ रहा, जो कोई प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं तो हम इन्हें आंसर बोल रहे हैं, साइड बाय साइड नोट्स भी बनवा रहे हैं कि अगर आपको कोई इशू है तो आप मीडियम्स वोकैबुलरी जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उनको नोट कीजिए। और बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा है, सर भी बड़े अच्छे हैं यहाँ के, आप पोलाइट बिहेवियर है उनका। थैंक यू, बहुत वधिया फील होता है मैम, बहुत वधिया करवा ली सानू, कल कल बच्चे को बहुत वधिया क्लीयर करवाए जाते, जिस बच्चे को जी प्रॉब्लम आती है वो भी क्लीयर करवा दी। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਔਰ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਬੋਰੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲਡ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਾ ਸਕਿੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਮਰਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੀਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੰਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕੋਪ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੁਛ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ
उस तरह की प्रॉपर तैयारी करवाई जाए इतने पहले ताकि वो अपने स्टडी के पीरियड के दौरान भी और वर्किंग के पीरियड के दौरान भी वधिया अपना जरा प्रदर्शन कर सकन उन्हां दी स्किल्स वधिया हो सकन पूरी मेरे टीचर्स नूं पूरी हिदायत हुंदी है और खुद भी मैं आप क्लासेस लैंदा हैगा ताकि बच्चे बेस्ट अपना दे सकन सर्विसेज जिहड़ियां हैगियां वह भी अवेलेबल हैगियां इत्थे और बंदा इक्को छत दे थल्ले पहलां आंदा अपना उन्हें आईलैट्स किए उस तो बाद कंप्यूटर का किया उस तो बाद बाहर जाने का जो खटड़ा तैयार करना है स्टडी वीज़ा की गल कर लिए होर वीज़ा की गल कर लिए तो वह भी तुसीं नाल अटैच करके इस स्थान के उत्ते ही इक्को छत के थले बंदे नूं दे दिंदे हो बिल्कुल सर जिहड़ियां वीज़ा सर्विस दीआं हैगीआं गल करिए तो मैं ये समझदा कि हर बंदा इक्को काम च परपक नहीं हुंदा मेरे छोटे ब्रदर अमृतपाल सिंह जी जिहड़ी वीज़ा सर्विस है मैं सारी उन्होंने दित्ती हुई है वो सारे डील करते हैं वीज़ा सर्विस के चाहे किसी तरह का भी वीज़ा हो अपना स्टडी वीज़ा हो चाहे अपना टूरिस्ट वीज़ा हो अजक तो टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा जहा बैन भी है नहीं करोना करके अजे कंट्रीज अलाउ कर रही हैं पर जो भी खुलता तो सारिया सर्विस प्रोवाइड हो हरेक हूँ भी हो रही ने पहला भी चल दियाँ अमरजीत तुहाडा 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस है 11 साल का तो और बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाके वधिया बैंड स्कोर अटेन करके और वधिया बैंड लैके बाहर जा चुके हैं कि कहना चाहोगे कि तुहाडा उधर भी इंडिया वाली वाली गल ही बनी हुई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स गए कारण भी इधर जो बच्चे जाते हैं तो तुहाडा नैटवर्क जी एन का उधर भी होंगे बिल्कुल सर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पढ़ चुके हैं हूँ तक जो मैं इंडिया की गल करा तो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कंप्यूटर कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब्स से भी इस टाइम अवेलेबल है बहुत सारिया पोस्टा उन्होंने लिया हुई हैं जो बाहर की गल करा बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स साढ़े सैटल है दैन कई स्टूडेंट्स मेरे बाहर भी मैं कॉल करते हैं कि सानू ऑनलाइन क्लासेस दे के क्योंकि सानू उधर स्टडी की कई बार बच्चे इधर पढ़ के नहीं जाते समझ नहीं लगती सो रैफरेंस उन्होंने दे देंगे फिर असं ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने जूम के उपर ज अदर कोई भी साड़ी ऐप्स हैगी प्रोवाइड करके उन्होंने वन टू वन भी असं प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके का जी एन का रिजल्ट है लोग कह रहे हैं कि वीज़ाज नहीं लग रहे फाइल्स रिजेक्ट हो रही पर तुहाडा रिजल्ट जिस तरीके दे नाल आ रहा है वीज़ाज लग रहे हैं कि कहना चाहोगे कि तुसीं सिंटेकली उही चीज़ां लेंदे हो जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं पता हुंदा कि फाइल लग जूगी उन्हां नूं जिहड़े डॉक्यूमेंट्स हुंदे आ उस तरीके नाल लवांदे हो कि कहना चाहोगे सर सब तो पहला तो यह ना कि असीं डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे आ बच्चे नूं प्रॉपरली गाइड करीदा आ कोई भी चीज़ असीं फेक नहीं लाते हैं ठीक है जी प्रॉपरली असीं दसदे आ बच्चे नूं गाइड करदे आ कि तेरे किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट्स लगने हैगे आ प्रॉपर जो उहदियां क्वेरीज जो रिक्वायरमेंट अंबैसी मंगदी हैगी आ असीं उहदे अकॉर्डिंग ही बच्चे नूं तैयार करदे आ तां कि सानूं कोई अगे तो रिजैक्शन ना आवे ठीक है जी इस करके साढ़े जोड़े रिजल्ट है बहुत वधिया आते पे और 100% रिजल्ट साढ़े आ रहे हैं वीर जी गल कर लिए इत कंप्यूटर इत आईलैट्स और एक वो बच्चे जोड़े है तो पहले ही तुम्हारा ग्रिप होंगे उन्होंने पता हों और उन्होंने ओरिजिनैलिटी होंगी और ओरिजिनैलिटी में तुम अगे पेश कर दें तो उस तरीके बैंड पहला वधिया दवा के फिर उन्होंने बाहर का खटड़ा तैयार करके बिल्कुल सर असी फोकस करते हैं बच्चे की क्वालिटी है बच्चे ने जो भी आयल्स का एग्जाम देना होंगे आ सब तो पहला असी बच्चे का देखिए कि वो की क्वालिटी हैगी वा किस पास स्ट्रोंग हैगा और कि पासा वह वीक हैगा आ जिमें आयल्स अलग अलग मड्यूल्स होंगे असी देखते हैं कि मड्यूल के बच्चा कमजोर हैगा वा जिमें लैट से कि असी रीडिंग की गल करते हैं रीडिंग अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे एम सी क्यू होंगे फिलअप्स होंगे ठीक है वो बच्चे देखते किड़े कैटेगरी के बच्चे मार्क्स जोड़े है घट आ रहे हैं फिर स्पैशली असी उस चीज़ पर फोकस किया जाता है बस साडा जिन्ना भी स्टाफ हैगा सारा आई डी पी सर्टिफाइड है तो इस तरह असी बच्चे उपर प्रॉपर मेहनत करके रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करवाने फिर ही साढ़े रिजल्ट जो है वधिया आ पाते हैं थैंक यू सर